बड़ी खबर, अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश ने दी बधाई। बड़ी खबर, अपर्णा को नेताजी ने काफी समझाया लेकिन वो नहीं मानी। सीधे प्ले ऑन करें, क्या कुछ कहा उन्होंने। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, चुनाव से पहले अखिलेश को घर में लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव, शॉर्ट दिखाएं इसके बगल में। टीवी 9 भारतवर्ष से अपर्णा ने कहा, घर में सबसे बात करके आई हूं, परिवार से विमुख होकर कोई बात नहीं करना चाहती। अपर्णा ने कहा, एसपी शासन पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे सहयोगी अमोद जी से खास बातचीत में, सीधे प्ले ऑन करें। क्या ऐसी स्थिति बन पड़ी जो बीजेपी में आना पड़े परिवार छोड़कर? देखिए, राष्ट्र धर्म मेरे लिए सर्वोपरि रहा है हमेशा से, और मैं हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनकी बातों से बहुत बहुत प्रभावित रही हूं, और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। मेरा बस ये मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने और जो प्रदेश का नेतृत्व है, उन सभी ने मुझे बड़े आशीर्वाद और बड़े प्रेम से, बहुत स्नेह से वो मेरे को इस पार्टी में लेकर के आए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी अब यहाँ का नेतृत्व मेरे लिए करेगा, अच्छा। तो इस विषय में क्या आपको अपने ससुर जी से बात की, अखिलेश यादव जी से कोई बात? मैं सभी से आशीर्वाद लेकर के आया। आज आपके परिवार से एक आदमी और ज्वाइन कर रहा है लखनऊ में, साधना जी के भाई ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कोई जुड़ना चाहता है इस तरीके की आइडियोलॉजी के साथ, तो मुझे लगता है राष्ट्र को जो बचा सकती है पार्टी, वो भाजपा है। तो भाजपा बहुत जरूरी है इस देश के लिए, भाजपा बहुत जरूरी है। पूरा प्रचार में जुड़ेंगे बीजेपी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।